अगर आप भी उन लोगों में ऐसे ही हैं जो दीपिका को देखकर आहे भरते हैं, या फिर जिनका दिल दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी की खबर के बाद टूट गया था, तो ये खबर पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। बॉलीवुड की मस्तानी यानी दीपिका पादुकोण बीते दिनों काफी सुर्खियों में रही, कभी अपनी हॉलीवुड फिल्म को लेकर तो कभी अपने बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह के साथ छुट्टी मनाने के लिए तो कभी रणवीर के साथ अपनी एंगेजमेंट को लेकर। यहां तक कि उनकी प्रेगनेंसी की खबर ने तो लाखों लोगों के दिल तक तोड़ डाले, लेकिन दीपिका के फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, उनके चाहने वालों का चेहरा जरूर खिल उठेगा। दीपिका प्रेग्नेंट नहीं है, जी हाँ, और न ही उनकी एंगेजमेंट हुई है, और तू और उनका जल्द ही शादी करके गृहस्थी बसाने का भी अभी कोई इरादा नहीं है। एक कार्यक्रम में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप पर उतरी दीपिका ने बताया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा कोई बेबी नहीं है और न ही मेरी सगाई हुई है, मेरा अभी इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। पिछले कुछ समय ऐसे ही दीपिका की प्रेगनेंसी और एंगेजमेंट की खबर सोशल मीडिया में छाई हुई थी, जिससे दीपिका भी कहीं न कहीं प्रभावित तो जरूर हुई होगी, शायद तभी इस तरह बिना पूछे ही वो मीडिया के सामने अपनी सफाई देती हुई नजर आई। जो फैंस उन्हें दुल्हन बनते देखना चाहते था, उनको अब करना होगा थोड़ा इंतजार। चलिए असल जिंदगी में न सही लेकिन कलेक्शन पेश करने के बहाने ही सही दुल्हन के लिबास में दीपिका कैसी लगेगी, इसकी एक झलक उनके फैंस को तो मिल ही गई।